हर युग में परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जब जब परिवर्तन हुआ है, तब तब धरती पर एक अवतारी पुरुष प्रकट हुआ है। उन्हीं अवतारी पुरुषों में एक थे नरसिंह मेहता। जन्म से ही गूंगा नरसिंह, माता पिता के आकस्मिक निधन के कारण उनका दुलार तो नहीं पा सका, परंतु उसकी दादी माँ जय कुमारी ने बड़े ही स्नेह से उसका पालन पोषण किया और साथ ही साथ उसके मन में भगवान की भक्ति का बीज भी बो दिया। समय के साथ साथ वो बीज जब वृक्ष बनने लगा, तो उसकी भाभी दुरित गौरी ने उस भक्ति रूपी वृक्ष को उखाड़ने का भरपूर प्रयत्न किया, परंतु वो अपनी जड़ें जमा चुके उस वृक्ष को उखाड़ने में असफल रही। उसके बाद भी नरसी के जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आए। उन्हीं उतार चढ़ावों को आप इस धारावाहिक संत नरसी मेहता में देखेंगे। युग युग तक तुम्हारा नाम अमर रहे। चल बेटा। प्रणाम बाबा। तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण हो गई। बाबा, मैं आपकी कीर्ति सुनकर आपकी शरण में एक मनोकामना लेकर आई हूँ। सुना है आप सबकी पीड़ा हर लेते हैं, मेरे भी मन का बोझ दूर कीजिए महाराज। ये बालक जन्म से गूंगा है, 9 बरस का हो गया है, किंतु आज तक बोल नहीं पाया ये। इसकी पूरी दादी पे कृपा करो महाराज, इस गूंगे को वाणी दो। माता, कौन कहता है कि बालक गूंगा है? माता, तुमने इसका नाम क्या रखा है? इसका नाम नरसी है। बेटा, मेरे पास आओ। माता, ये बालक अवश्य बोलेगा। बोलो, राधे कृष्ण हरि, राधे कृष्ण हरि, राधे कृष्ण हरि, राधे कृष्ण हरि, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। ये तो चमत्कार हो गया बाबा, ये तो चमत्कार हो गया बाबा। बाबा धन्य है बाबा, आज तक मेरा पोता बोल नहीं पाता था, आज मेरा पोता पहली बार बोला, और वो भी भगवान का नाम। धन्य है बाबा। माता, आप इसकी वाणी लोगों को मोहित करेगी। ये बच्चा भगवान का परम भक्त होगा। आपका सौभाग्य है कि ऐसा पुनीत बालक आपके वंश में जन्म लिया है। ये बालक बहुत बुद्धिमान होगा, नागर जाति और आपके कुल की गाथा को आगे बढ़ाएगा। आध्यात्म जगत में इसका नाम बहुत ऊंचाई पर जाएगा। माता, ये बालक हमेशा ईश्वर के अधीन रहेगा। आपने मुझ पर इतनी कृपा की, आप चल के मेरे घर को भी पवित्र कीजिए। माता जी, ये तो असंभव है। इसका मतलब ये हुआ, मैं आपको कुछ देकर और आपसे कुछ प्राप्त करना चाहता हूँ। किंतु बाबा, मेरी आपसे एक विनती है। कैसी विनती माता? आप हमारे यहाँ पधारे, इसका बड़ा भाई राजा राम मांडलिक के यहाँ पे थानेदार के पद पे कार्यरत है,
उसके हाथ के नीचे कई नौकर जाकर हैं। आप हमारे यहाँ पधारे तो वो भी आपकी सेवा का लाभ उठा पाएगा। मेरे लिए राजा क्या, रंग क्या, सब मेरे लिए समान है। माताजी, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मेरे भक्ति और साधना का समय हो गया है। जो आज्ञा बाबा, जो आज्ञा। प्रणाम। बोलो हटकेश्वर महादेव की जय। हटकेश्वर महादेव की जय। हटकेश्वर महादेव की जय। अरे भाई सुना तुमने, क्या कितना बड़ा चमत्कार हो गया। बंसी का छोटा भाई है ना ये। अरे ये तो बहुत बड़ा चमत्कार हो गया, सचमुच बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। नरसिंह बोलने लगा। अपना नरसिंह बोलने लग पड़ा। अभी से मैं पाठशाला भेजूंगी। हाँ ये पढ़ेगा। अरे दीनो सुना तुमने, क्या हुआ भाभी? चमत्कार हो गया। क्या हुआ भाभी? अरे अपने नरसिंह की वाणी आ गई। क्या कह रही हो? ये बच्चे इस वाणी आ गई? ये बच्चा बोल सकता है? हे भगवान, तूने इस बच्चे को वाणी दे के हमारा जीवन धन्य कर दिया। ये बच्चा बोल सकता है? हमारे काम की वाणी सुन सकता है? एक बार मुझे भैया के कर पुकार। दादी, नरसिंह गुंगा नहीं है, हमारे नरसिंह गुंगा नहीं है। हे भोले शंकर, आप कितने दयालु हैं। आज आपको पाकर मैं धन्य हुई प्रभु, मैं धन्य हुई। आज तक आपके चमत्कार केवल गाथाओं में ही पढ़े सुने, परंतु आज मेरी इन दोनों आंखों ने आपके चमत्कार का साक्षात दर्शन किया है प्रभु। आपने मेरे नरसिंह को वाणी देकर मेरे कुल के कलंक को धो दिया। आपने मुझ पर अपार कृपा की, आपकी लीला अपरंपार है। बहू, अरे बहू, सदा सुहागन रहो। लो ये प्रसाद की थाली लो। अच्छा बंसी उठ गया? अरे दादी माँ, मैं तो स्नान करके कब से तैयार हूँ। प्रणाम। जीते रहो बेटा बंशी, आओ मेरे साथ चलो। बंशी बेटा, अब नरसिंह की शिक्षा दीक्षा पर भी ध्यान दो, उसे किसी पाठशाला में प्रवेश दिलवाओ। अरे दादी माँ, आपने तो मेरे मन की बात कह दी। मैं भी यही चाहता हूँ, नरसिंह अच्छी शिक्षा पाकर एक अच्छा नागरिक बने। मुझे तुमसे यही आशा थी बेटा। अरे दादी माँ, आपकी आशाएं कभी निराशा में नहीं बदलेगी। चुक चुक जियो बेटा, चिरंजीवी रहो। मेरे भाई, तेरी सारी मनोकामना पूर्ण हो। गरम गरम दूध और कलेवा। हाँ ना।
अरे इसे आप खा लीजिए, आपको जाने में विलंब होगा। अरे तुम इसकी चिंता ना करो, मेरा भाई खाएगा। अलख निरंजन, अलख निरंजन, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। तुम बैठो, नौकर दे देगा भिक्षा। दादी माँ, नौकर क्यों भिक्षा देगा, मैं अपने हाथों से भिक्षा दूंगा। मैं आपसे मिलने भी आऊंगा और हाँ, आपके लिए भिक्षा भी लेता आऊंगा। अवश्य बच्चा। मैं इस तरह से खड़े रह के साधु संतों से बात करने की क्या आवश्यकता है? हाल कोई और लेके नहीं आ सकता? नौकर चाकर मर गए क्या? स्वप्न में भी नहीं सोचा कि इस तरह के दिन देखने पड़ेंगे। इससे तो अच्छा होता मैं अंधे हो जाती।